हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मुंडी। ये मेरे पास 1 किलो मुंडी है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। हसबे ज़रूरत नमक और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन लगा के इसको मैंने पहले मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको कुक करूँगी। 1/2 कप इतना इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। अब अपने हिसाब से तेल ऐड कीजिएगा। ये 1 इंच दालचीनी है और ये कुछ लौंग है जो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए दालचीनी और लौंग, दालचीनी और काला मिरी। ये 3 मैंने मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप करके ली हूँ, वो भी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मुंडी ऐड करूंगी वॉश की हुई। अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको। अब मैं इसमें स्पाइसेस मसाले ऐड करूंगी। टू टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने हिसाब से रेड चिली ऐड कीजिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत। मैं नमक ऑलरेडी गोश्त को लगा, मुंडी को लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं मसाले के लिए थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी। वन टेबलस्पून अदरक लहसुन, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको 4-5 सीटी आने तक मैं पकाऊंगी, या जब तक मुंडी पक नहीं जाती तब तक मैं इसको कुक करूंगी। ये देखिए मेरी मुंडी अच्छी तरह से पक चुकी है। मैंने इसको एक अलग से बर्तन में शिफ्ट कर ली हूँ। ये 4 हरी मिर्ची है जिसको मैंने बीच से ऐसा कट लगा ली हूँ, ये ऐड करूँगी इसके अंदर। ये 2-3 टेबलस्पून पुदीना है, वो ऐड करूँगी। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, वन टीस्पून शाहजीरा, वन टीस्पून गरम मसाले की पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और दम पे रखेंगे बारीक गैस करके। ये देखिए मेरे मुंडी का सालन बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इधर शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।